हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शिमला मिर्च के फ़ायदों के बारे में, जो कि आपके अस्थमा जैसे रोगों को के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, शिमला मिर्च सब्जियों के रूप में प्रयोग की जाती है, आप इसे सलाद के रूप में भी खा सकते हैं, इसका सूप भी बनाकर आप पी सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। कई तरीके से ये आपको मिल जाती हैं, जैसे कि हरी, पीली या लाल, सभी में पोषक तत्व बराबर मात्रा में होते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के जैसे अच्छे विटामिन होते हैं, जो कि शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। इसके साथ ही इसमें फाइबर की भी अच्छी मात्रा होती है, जो कि हमारे पेट के लिए काफ़ी अच्छी होती है। इसमें कैरोटीन, एंटी ऑक्सीडेंट तत्व, एंटी इन्फ्लामेटरी तत्व भी पाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें सल्फर, कैरोटीनाइड और लाइकोपीन जैसे रसायन होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं अस्थमा के रोगियों के लिए, तो अस्थमा का कितने भी पुराना से पुराना अगर आपको रोग है, अस्थमा जैसे रोगों के लिए, रोगों को दूर करने में भी ये काफ़ी मददगार होती है। फ्रेंड्स, शिमला मिर्च में जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए होता है जो कि वो ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके साथ ही इसमें बीटा कैरोटीन की भी अच्छी मात्रा होती है, जो कि अस्थमा रोग को ठीक करने में आपकी काफ़ी हेल्प करती है। इतना नहीं फ्रेंड्स, इसमें सिर्फ इस रोग को ठीक करने के साथ साथ कैंसर जैसे गंभीर रोगों को रोकने में भी काफ़ी मदद करता है। फ्रेंड्स, यदि आपको दमा या सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसके लिए आप शिमला मिर्च का ज़रूर सेवन कीजिए। ये इस तरह की बीमारियों के उपचार में काफ़ी ज़्यादा मददगार है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसकी सब्जी बनाकर इसे खाइए, या फिर आप इसे सलाद के रूप में काटकर भी खा सकते हैं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है, इसका सूप पीना भी आपके लिए अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, जो लोग दमा के रोगी हैं या जिन लोगों को सांस संबंधित समस्याएँ हैं, अस्थमा रोग से ग्रसित हैं, उनके लिए शिमला मिर्च का सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।